प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, संगठन के विकास में फ्रंटलाइन कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजभाषा माह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के 300 से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर राधाकांत मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने लक्ष्य के छठे सत्र को संबोधित करते हुए कहा, संगठन के विकास में फ्रंटलाइन कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वे योजनाओं, रणनीतियों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के कुशल प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी का अनूठा मानव संसाधन संचार अभ्यास 14 सितंबर 2022 को मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटीज एंड पर्यावरण श्री नरेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक टीए एंड सीएसआर श्री एके नायक और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री एके बेहुरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विचार विमर्श सत्र में सेंटरिंग प्लांट विभाग के 30 फ्रंटलाइन कर्मचारियों ने भाग लिया। संयंत्र के निष्पादन को बढ़ाने के प्रयासों को तेज करने के लिए कर्मी समूह को प्रोत्साहित करते हुए डीआईसी ने कहा, हालांकि हमने पिछले वित्त वर्ष में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी सुधार की गुंजाइश है। आइए कमियों पर विचार करें और कमियों को दूर करने के लिए अभिनव समाधान खोजें, ताकि आरएसपी और भी बेहतर प्रदर्शन के साथ चमकता रहे। सिंटरिंग प्लांट के विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों पर विचार विमर्श करते हुए डीआईसी ने सिंटर की गुणवत्ता बनाए रखने और व्यक्तिगत सिंटर प्लांट के लिए वांछित कोक दर प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कर्मी समूह से उपकरणों और व्यक्ति दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, आइए अपने काम में मूल्य जोड़कर सकारात्मक बने और चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में ब्लास्ट फर्नेस की गुणवत्ता वाले सेंटर की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें। कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए डीआईसी ने यूनिट के विभिन्न मुद्दों को कम करने, आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा और कौशल स्तर बढ़ाने, टाउनशिप में सुविधाओं में सुधार करने के प्रयासों जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी बातचीत की। श्री नरेश कुमार ने अपने संबोधन में एबीपी लक्ष्य को प्राप्त करने में सिंटरिंग प्लांट के महत्व पर बात की। उन्होंने कर्मी समूह से सिंटर की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और संयंत्र को कई महत्वपूर्ण मानकों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया। श्री अजय कुमार नायक ने कर्मी समूह को इस अनूठे मंच का लाभ उठाकर चर्चा करने और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए टाउनशिप में शुरू किए जा रहे विभिन्न नए पहलों पर भी विचार विमर्श किया। श्री ए के बेहुरिया ने अपने संबोधन में कर्मी समूह से गुणवत्ता की जाँच के लिए प्रभावी कदम उठाने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोक दर को नियंत्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कर्मी समूह से लगातार बेहतर प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का दर्जा बनाए रखने का भी आह्वान किया। सत्र में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक पटनायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में निदेशक प्रभारी के मार्गदर्शन में एचआर अभ्यास लक्ष्य शुरू किया गया था, ताकि स्टील प्लांट के फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए अपने विचार और सुझावों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके, जहां कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में और सुधार किया जा सके। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के अधिकारियों सहित 300 से अधिक कर्मचारियों ने चल रहे राजभाषा महासमारोह के उपलक्ष्य में मानव संसाधन विकास केंद्र में जनसंपर्क राजभाषा इकाई द्वारा आयोजित लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया।
प्रतियोगिताएं 5 से 9 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। विजेताओं को महीने के अंत में आयोजित होने वाले समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर राधाकांत मिश्रा। प्रोफेसर राधाकांत मिश्रा एक प्रसिद्ध हिंदी विद्वान, लेखक, अनुवादक और ओडिशा के शिक्षक थे। वे 70 के दशक से हिंदी अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए थे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे लगभग 10 वर्षों तक रेवेन्शा विश्वविद्यालय कटक के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख रहे और गंगाधर मेहर कॉलेज संबलपुर से प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए। एक हिंदी अधिकारी के रूप में उन्होंने ओडिशा जैसे गैर हिंदी भाषी प्रांतों में 3000 हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ समय के लिए उन्होंने शांति निकेतन में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। उनके प्रयासों से उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में हिंदी का स्नातकोत्तर विभाग खोला गया। उनके मार्गदर्शन में 10 से अधिक विद्वानों ने PhD की उपाधि प्राप्त की। प्रोफेसर राधाकांत साहित्य के क्षेत्र में भी बेजोड़ थे। उन्होंने रामचरितमानस, कामायनी, नदी के द्वीप आदि का ओडिया में अनुवाद किया। फकीर मोहन की क्लासिक कृतियों क्ष माणा आठ गुंठ, गल्प स्वल्प आदि के हिंदी अनुवाद के कारण अनुवाद साहित्य में उनका एक स्वतंत्र परिचय था। उनके उत्कृष्ट हिंदी सेवा के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने उन्हें गंगा शरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली ने उन्हें गैर हिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया। वे एक छात्र मित्रवत व्यवहार वाले बुद्धिमान और मिलनसार शिक्षक थे। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।